हेलो गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू गो प्रैप प्लेटफॉर्म कैसे हैं सभी बच्चे हाउ आर यू जल्दी से बताओ आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टूडे सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वी आर गोइंग टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीआर फ्रॉम विच क्वेश्चन आर आज हेलो ऋतिक हाउ आर यू हेलो तन्मय हेलो सना हेलो रिडिया हेलो रोहित कैसे हैं सभी बच्चे आई यू ऑल रेडी फॉर टू सेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी products एंड their एलिमिनेशन और उसमें भी हम लोग अंडरलाइन करने वाले हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स from एन सी आर टी एज यू ऑल नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन नीड विल बी itself, isn't एन सी आर टी सेल्फ हेलो राहुल तैयार है सभी बच्चे आपको अपना एनसीआर लेके बैठना है बायोलॉजी एनसीआर लेके आप बैठोगे यू विल बी ओपनिंग योर चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दर एलिमिनेशन एंड स्टार्ट अंडरलाइनिंग विथ मी ना सिर्फ आप अंडरलाइन करोगे साथ साथ में आप एनसीआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिखते जाओगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई यू ऑल रेडी फटाफट से बताओ बट बिफोर बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक गोप्रप ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से कर लो येस रितिक हैलो एंड ऑल्सो स्पेशल स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने वाली है फॉर द स्टूडेंट वो आर गोइंग टू अपेयर फॉर नीट ट्वेंटी वन सेवेंथ ऑफ डिसम्बर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एट पी एम एंड नाइन पी एम यू विल बी स्टडिंग विद एक्सपर्ट टीचर्स ऑफ गोप्रै एंड ऑल्सो इफ यू आर इन Uh, अगर आपने जो है अभी तक एडमिशन नहीं लिया है इन स्टेप बैच यू यू कैन यूज कोड फॉर प्रेप अपी ट्वेंटी टू का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जल्दी से ज्वाइन करो ओके सो एंड ऑल्सो मिनी कोर्स लेके आ रही है नेहा मैम ऑन सर्कुलर मोशन डेज यू कैन स्टडी सर्कुलर मोशन विथ नेहा मैम गुड इवनिंग बिंदु सो सो द मोस्ट अवेटेड चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन आपको ओपन करना है चैप्टर नंबर 19। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 290 टू पेज नंबर 295। हेलो वेंकी सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओपनिंग और एनसीआर टी पेज नंबर टू नाइनटी टू टू नाइनटी फाइव वी विल बी कवरिंग टूडे एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल बी कवरिंग टू मोरू ओके सो दो दिन में हम ये चैप्टर कवर करेंगे और उसके बाद होगा आपका मेंटीक्वेज सो so, ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे चैप्टर नंबर नाइनटीन ओके रेडी एवरीबडी रेडी 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 जल्दी से बताओ रेडी हो सब बच्चे पढ़ने के लिए एंड येस डोंट फोरगेट टू लाइक एंड शेयर देशन एंड सब्सक्राइब गो प्रेप नीट चैनल बेल आइकन जो है राइट हैंड साइड पे उसे प्रेस करना कोई नहीं भूलेगा ओके पेज बिल्कुल पेज भी लाए हो वेरी गुड सो चैप्टर नंबर नाइनटीन ओपन कर लेंगे सभी बच्चे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी यू आर गोइंग टू ओपन पेज नंबर टू नाइनटी बायोलॉजी का एन का 290 पेज नंबर ओपन करेंगे अगर सब तैयार है विथ योर एनसीआर टी टेल मी येस आई विल स्टार्ट रेडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज यू नो दिस चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरह से एलिमिनेट होता है किडनी का क्या रोल रहता है किडनी का क्या स्ट्रक्चर रहता है आर द सक्रीटरी सिस्टम सो एवरी थिंग वी आर गोइंग टू कवर टूडे हेलो वंश वेरी गुड इवनिंग बिल्कुल अब मैं आ गई हूं होप यू आर रेडी विथ योर एनसीआर टी चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो भार्दव ऋषि स्वाति वेरी गुड इवनिंग वंश अंशु चलिए स्टार्ट करते हैं कैन यू सी द लाइन्स द इंपॉर्टेंट लाइन्स आर ऑलरेडी आर ऑलरेडी मार्क्ड कैन यू सी सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है अमोनिया इन एन ऑर्गेनिजम सो यस हेमंत हेलो हाउ आर यू याद रखना है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स वन इज अमोनिया जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें बोला जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स दैट रिलीज यूरिया आर नोन एज यूरियोटेलिक और जो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं यूरिक एसिड दे आर नोन एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हेलो प्रदीप जाहेद चलो वी आर स्टडिंग जुअलॉजी बेटा वी आर स्टडिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन तो सबसे पहले जिसमें जिस पॉइंट में, जिस में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अमोनिया किसका नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया कौन एलिमिनेट करता है यूरिक एसिड किसका नाइट्रोजनस वेस्ट है दिस इज अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन इन ऑल द स्टूडेंट्स सो लेट्स क्लियर इट पहला नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि अमोनिया इट इज द मोस्ट टॉक्सिक वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है लॉट्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अमोनिया फ्रॉम आर बॉडी हेलो किरण सो इस वजह से इस वजह से अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूजुअली एक्वेटिक एनिमल्स का जो एनिमल्स पानी में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल बोनी फिश उनका होगा नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया सो मोस्ट टॉक्सिक एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन यहाँ पे लिख लेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एलिमिनेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने लाइन मार्क भी कर रखा है और यूरिक एसिड का बात करें तो ये लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम पानी का रिक्वायरमेंट होता है तो जो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स हो गए बर्ड्स हो गए तो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा यूरिक एसिड इज इट क्लियर तो यूरिक एसिड किसका होगा रेप्टाइल्स का एवरी एंड एंड बर्ड्स का एव्स जिसे बोला जाता है तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स का होगा यूरिक एसिड नाइट्रोजेनस वेस्ट ओके जूम जूम करने का ज़रूरत नहीं है हेलो प्रकाश गुड इवनिंग ओके राइटिंग मैंने सिर्फ इतना लिखा है अमोनिया इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डोंट वरी जूम करने का जरूरत नहीं है मैंने बोल दिया नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी ताकि आपको सब कुछ नजर आए ठीक से आगे बढ़ते हैं येस डेफिनेटली इट इज फॉर नीट ट्वेंटी टू इट इट इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स वो आर अपेयरिंग फॉर नीट ट्वेंटी वन एज वेल तो अगर इतना समझ में आ गया है लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट पेज हेलो दिव्या वेरी गुड इवनिंग सो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट अमोनिया उन्हें बोला जाता है अमोनोटेलिक उन्हें बोला जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं अमोनोटेलिक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का मैं इस तरह से यहाँ पर लिख दूंगी ओके दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ नीट अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर बोनी फिशेस याद रखना है बोनी फिशेज अमोनोटेलिक है कार्टिलेजिनस फिशेज और कॉन्ड्रिकोटेलिक कॉन्ड्रिकाइस या कार्टिलेजिनस फिश जैसे कि शार्क हो गया शार्क शार्क क्या है शार्क एलिमिनेट करता है यूरिया ओके बोनी फिश जैसे कि रोहू हो गया कातला कातला हो गया लेबियो रोहिता कातला कातला हो गया ये सारे बोनी फिश दे एलिमिनेट अमोनिया इसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्स एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस तो एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट्स ये एलिमिनेट करते हैं अमोनिया क्योंकि उनके पास बहुत सारा वाटर अवेलेबल होता है एक्सक्रीशन के लिए और अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो बहुत सारे पानी के साथ ये इसको एलिमिनेट कर पाते हैं अपने बॉडी से सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट लाइन दैट आई है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज अबाउट यूरियो ऋतिक राज बेटा टेलिक ऑर्गेनिजम वो है जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं इज इट क्लियर ऋतिक ओके चलो प्रकाश समझ में आया ऋतिक समझ में आया नाउ दोज ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं यूरिया जो एक्सक्रीट करेंगे उन्हें बोला जाता है यूरियोटेलिक उन्हें बोला जाता है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स एवरीबॉडी फटाफट से मार्क कर लो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल द टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो एम्फीबियंस लैंड पे रहते हैं उन्हें उतना ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होता है सो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मरीन फिशेस मरीन फिशेस बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये आई विल एक्सप्लेन सो मरीन आर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैमल्स हम क्या हैं हम भी आते हैं मैमल्स में एंड वी एक्सक्रीट यूरिया सो दैट्स वाई वी आर यूरियोटेलिक एवरीबॉडी इज इट क्लियर हैलो तरुण वैंकी समझ में आ रहे हैं सो मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं यूरिया एक्सक्रीट करते हैं इट इज लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू अमोनिया मरीन फिशेज लाइक कार्टिलेजरस फिश हो गया शार्क हो गया कॉन्ड्रिक थाइस जिन्हें बोला जाता है वो यूरिया इसलिए एक्सक्रीट करते हैं बिकॉज दे रिटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन देयर बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन साइड बॉडी वो रिटेन करके रखते हैं यूरिया अपने बॉडी में फॉर सम टाइम और अगर उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हुआ सो दे वॉन्ट बी एबल टू दे वोंट बी एबल टू स्टोर अमोनिया इन देयर बॉडी बिकॉज इट इज वेरी टॉक्सिक सो दैट्स वाई दे हैव यूरिया एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट मैमल्स हम बात करें इन आर बॉडी अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू यूरिया कहां पर लिवर में यूरिया साइकिल होता है लिवर में जिसके वजह से अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू यूरिया एंड वी एक्सक्रीट यूरिया इट्स सेल्फ ओके सो समझ में आया टेरेस्ट्रोल एम्फीबियस मरीन फिशेज एंड मेमल्स दीज आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट नेक्स्ट इज यूरिकोटेलिक एनिमल्स यूरिकोटेलिक वो एनिमल्स हैं जो एलिमिनेट करते हैं यूरिक एसिड जैसे मैंने बताया यूरिक एसिड ये लीस्ट टॉक्सिक है सबसे कम अमाउंट लगता है पानी का इसको एलिमिनेट करने के लिए एंड दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक ओके सो यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक कौन कौन होंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक् स्नेल्स कई बार पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको याद रखना है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे रेप्टाइल्स बर्ड्स ओके इसके अलावा लैंड स्नेल्स लैंड स्नेल्स हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये सभी याद रखेंगे लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एंड नॉट अमोनोटेलिक या यूरियोटेलिक इसके अलावा इंसेक्ट्स क्लियर एवरीबडी चलो आगे बढ़ते हैं समझ में आया यस इट इज मॉलस्का बट लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं कुछ कुछ के पास होता है फ्लेम सेल्स विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट नीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन जल्दी से ध्यान देंगे प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स दिस इज द Organs of excretion in flatihelmins, for example, planaria, scalava rotifers, some annelids, and cephalochordata Very important amphioxus. This is question of need. Please underline in your NCRT. Now. Uh, लंग फिश लंग फिशिज एक्सक्रीट यूरिया बेटा सो एम्फी क्या है सिफेलोकॉडेटा जिसमें नोटोकॉड होता है फ्रॉम हेड टू टेल एम्फी या लेंसलेट बोला जाता है सो देस आर दे हैव प्रोटोनैफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स एज देर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेक्स्ट इज नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थ फॉर्म्स एंड अदर एनाली याद रखना है कुछ में प्रोटो भी होता है बट यूज मालपीजियन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट स्पेशली कॉकरोच कॉकरोच पे क्वेश्चन आता है एंड ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड विच आर एक्चुअली मालपीजियन टूब्यूल्स ओनली ओके सो दिस इज प्रेजेंट इन क्रस्टेश प्रॉन्स ऑल दीज लाइंस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज गिवन इज इम्पॉर्टेंट ओके यस डेफिनेटली पीडीएफ मिलेगा बच्चा डेफिनेटली पीडीएफ मिलेगा आपको गो प्रेप नीट के ऑफिशियल चैनल पे आपको सभी सेशंस के पीडीएफ मिलेंगे यू कैन गो थ्रू इट यू कैन अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम एन यस पहले पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एन अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे डोंट वरी एट ऑल सो लेट स्टार्ट विथ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे हमने पढ़ा है दैट अमोनिया अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू यूरिया इन लिवर कहाँ पर कन्वर्ट होता है लिवर में कन्वर्ट होता है एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड दैट्स वाई वी आर यूरियोटेलिक ना कमिंग टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें होता है हमारे पास होता है किडनीज

प्रेजेंट होता है हमारा किडनी लंबर वटीब्रा फाइव इन नंबर उसमें से टिल थर्ड लंबर वटीब्रा देर विल बी प्रेजेंस ऑफ किडनी ओके चलो नेक्स्ट यस आल्सो मेरा भी खुद का टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर प्रियंका डे अंडरस्कोर जूलॉजी एक्सपर्ट वहां पर भी आपको ये टेलीग्राम जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा ओके okay, बेटा डायमेंशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं पूछे जाएंगे बट स्टिल यू शुड नो टेन बाय ट्वेल्व सेंटीमीटर लेंथ फाइव बाय सेवन सेंटीमीटर विथ टू बाय थ्री सेंटीमीटर थिकनेस होता है किडनी का एंड वेट इज वन ट्वेंटी टू वन सेवेंटी ग्राम्स नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉट इज हाइलम हाइलम ओके सो हाइलम हाइलम इज द फनल शेप्ड स्पेस ओके जिससे जिससे जो है रीनल पेल्विस निकलता है तो कैन यू सी शेप ऑफ किडनी इस तरह से बीन की तरह होता है और इस बीन में जहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन है उस कॉन्स्ट्रक्शन जहाँ पर ये जो कॉन्स्ट्रक्शन है इसे बोला जाता है हाइलम और यहाँ से ही निकलता है रीनल पेल्विस सो हाइलम इज द प्लेस फ्रॉम विच फ्रॉम विच पेल्विस इज अटैच फ्रॉम विच रीनल आर्टरी रीनल वेन इज अटैच जहां से आर्टरी वेन्स नर्व जो है वो एंटर करते हैं किडनी को उसे बोला जाता है हाईलम हाइलमर वाईलम ऑफ किडनी इट इज द कॉन्स्ट्रक्शन किडनी शेप कॉन्स्ट्रक्शन को बोला जाता है हाईलम ओके ना नेक्स्ट पी डी एफ आई डी यस आई विल राइट हेर टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा डॉक्टर प्रियंका डे अंडरस्कोर जुआलॉजी एक्सपर्ट ओके यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल यू विल गेट पी डी एफ यर एज वेल टूगेद टूगेदर विथ प्रैप नीट ऑफिशियल चैनल ओके सो हाइलम अगर समझ में आया हाइलम अगर समझ में आ गया है तो लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट किडनी इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो बाहर वाला पोर्शन है जो बाहर वाला पोर्शन है किडनी का उसे बोला जाएगा कॉर्टेक्स ओके okay? और अंदर वाला जो पार्ट है उसे बोला जाता है मेडुला तो

अंदर वाले पार्ट को बोला गया मेड्यूला एंड एंड दीज आर दीज आर द दैलाइसिस मेजर कैलाइसिस एंड माइनर कैलाइसिस आर देयर इन केस ऑफ किडनी एक मेजर कैलाइसिस होता है एंड देर इज अनदर इज माइनर कैलाइसिस जो कि इस तरह से ओके okay, जो कि इस तरह से पिरामिड्स को जो कि इस तरह से पिरामिड से अटैच होता है ओके सो दीज आर वॉट दीज आर कैलाइसिस कैन यू सी हियर? यू द हाइलम ब्रॉड कॉल्ड रीनल पेल्विस प्रोजेक्शन सो ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ये जो प्रोजेक्शन होते हैं विच आर अटैच टू पिरामिड रीनल पिलािड्स सो दीज आर नोन एज कैलाइसिस दिस इज कैलाइसिसके मेजर हो सकता है माइनर हो सकता है मेजर बड़ा वाला कैलाइसिस होता है विच गिव्स राइज टू माइनर कैलाइसिस ओके नाउ कैलाइसिस अगर समझ में आया सो कॉर्टेक्स समटाइम्स एक्सटेंड्स ये देखो दिस इज कैलिक्स और कैलाइसिस ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट विच इज विच इज अटैच टू पिरामिड्स दीज आर कैलाइसिस ओके नाउ कैन यू सी कॉटेक्स समाइम्स एक्सटेंड्स इन टू द मेड्यूला कॉटेक्स जो है कॉटेक्स जो है ये मेड्यूला में इन्वेजिनेट करता है इन किडनी सो दिस इज नोन एज पिरामिड्स वॉट आर दीज दीज आर रीनल पिरामिड्स सॉरी दीज आर रीनल जो बनाता है रीनल पिरामिड्स इन्हें बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी सो कॉलम ऑफ बर्टनी इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉटेक्स इन टू द मेड्यूला कॉलम्स ऑफ बर्टनी आर द एक्सटेंशन ऑफ कॉटेक्स इनटू द ओके, एक्सटेंशन ऑफ़ कॉर्टेक्स इनटू मेड्यूला बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी यहां पर है दीज आर कॉलम्स ऑफ बर्टनी दीज आर कॉलम्स ऑफ बर्टनी अगर ये समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं यस दिस इज दिस इज बेटर दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीआरटी यू कैन सिट विथ योर एनसीआरटी इफ यू वॉन्ट मी टू जूम येस डेफिनेटली यू कैन जूम इट कैन यू सी कॉटेक्स का एक्सटेंशन इंटू मेड्यूला इज नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्ड टिडनी अभी समझ में आया नेक्स्ट नेक्स्ट एक किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ने सो एक किडनी में अराउंड वन मिलियन टूब्यूलर स्ट्रक्चर हो सकते हैं फॉर फिल्टरेशन जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन्स ओके नाउ याद रखना है वन टर्म यू विल कम अक्रॉस एंड दैट इज रीनल कॉर्पस और मालपीजियन बॉडी नेफ्रॉन में, में होता है नेफ्रॉन में होता है रीनल कॉर्पसल्स या इसे ही बोला जाता है इसे ही बोला जाता है मालपीजियन बॉडी एंड व्हाट इज मालपीजियन बॉडी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी जो है ध्यान से देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे मालपीजियन बॉडी एंड रीनल कॉर्पसल्स आर ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस क्या है द टफ टॉफ कैपिलरीज कैपिलरीज के बंच को बोला जाता है ग्लोमेरुलस टुगेदर विथ बोम कैप्सूल सो बोमस कैप्सूल टुगेदर विथ ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा उसे ही बोला जाता है मालपीजन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स यूजुअली ये मालपीजन बॉडी होता है कॉर्टेक्स में एंड द टुब्यूलर पार्ट दैट इज द लूप ऑफ एनले पार्ट इट एक्सटेंड्स इन टू द यस डेफिनेटली उमरा राइट एंड लेफ्ट किडनी का जो शेप जो लोकेशन है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है यस 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 बिल्कुल ओके सो राइट वाला किडनी थोड़ा नीचे की तरफ होता है लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ होता है राइट वाला किडनी होता है नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिवर लीवर के वजह से राइट वाला किडनी थोड़ा पोजीशन में नीचे होता है ओके नाउ बिल्कुल ऋतिक मैंने एक्सप्लेन किया होप आपको समझ में आया होगा नाउ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है बेटा नॉर्मल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर ग्लोमेरुलस दैट इज टफ ऑफ कैपिलरीज टुगेदर विथ टुगेदर विथ बोमेंस कैप्सूल जो कि प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में और हर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैनले इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला इज इट क्लियर इतना समझ में आया सो यू कैन सी आई विल हाइड माई सेल्फ एंड यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरूल तो इस तरह से देर आर आफर एंड ई फ्रेंट आर्टीरियोल अगेन आफ्रेंट आर्टीरियोल का जो है डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ई फ्रेंट आर्टीरियोल दिस इज ग्लोमेरूल टफ्टॉफ कैपिलरीप्सूल जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल दिस इज बोमेंस कैप्सूल और इस दोनों को इन दोनों को मिला के बोला जाता है मालपीजियन बॉडी और रीनल कैप रीनल कार्पसिस दिस इज आफर आप देख रहे हो आफ्रेंट आर्टीरियोल का डायमीटर है ज्यादा दिस इज आफ्रेंट आर्टीरियोल दिस वन इज ईफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस वन इज ग्लोमेरूल और इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाएगा मालपीजन बॉडी और रीनल कॉर्पसिल्स राइट एवरीबडी के तवान, मनोज यस राइट बेटा नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज आर्टेरियल जो ब्लड लेके आता है टूवर्ड्स नेफ्रॉन फॉर फिल्ट्रेशन यही आट फ्रेंट इट ब्रेक्स इन टू स्मॉल स्मॉल कैपिलरी नेटवर्क विच इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस जहाँ पे एक्चुअल फिल्ट्रेशन होता है देन देर इज अ बोमेंस कैप्सूल विच इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फिल्टर होके देर इज कलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट यहाँ पर होता है फिल्ट्रेट ओके okay? डायमीटर होता है कम ओके इन आर्टीरियोल का डायमीटर कम होने की वजह सेल्ट्रेशन इन ग्लोमे रूलर्स ओके यहां पर देखेंगे आप सभी आफ्टर बोमेंस कैप्सूल देर इज प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टूब्यूल और पी सी टी पी सी टी

दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेॉन इन इन ब्रीफ आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे सारे पार्ट के फंक्शन वाजारेक्टा okay? क्या है आप देख रहे हो लूप ऑफ एनले के पैरल मूव कर रहा है वाजारेक्टा एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इन वाजारेक्टा इज इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन जिसे बोला जाता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म नेक्स्ट इज येस डेफिनेटली प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब गो प्रेप नीट चैनल ताकि और भी एक्साइटिंग सेशन में आपके लिए लेके आऊं सो लेट मी टेल यू कि जैसे हम लोग अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का एनसीआर टी अंडरलाइन कर रहे हैं ओके okay, आज और कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगा आपका मेंटी सेशन एंड उसके बाद आई विल बी गिविंग यू फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ओके सो बेसिकली हर चैप्टर करने के बाद आई विल बी गिविंग यू फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स ताकि आप इजिली इसको जो है मेमोराइज कर पाओ हेलो इंद्रजीत ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैन यू सी द कलेक्टिंग डग मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इन टू रीनल पेल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड इनकेलाइसिस नाव दिस विल बी आज एन नीट ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है दे विल आस्क यू सीक्वेंस ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स हेलो अर्पिता जूम किस को जूम करूँ बेटा बिल्कुल जो है मैं समझा के फिर जूम कर सकती हूँ बिल्कुल नहीं डरना है प्रकाश मेन्टी सेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेसिकली आपको जज करने के लिए खुद को कि आप कहाँ स्टैंड करते हो तो मेंटी सेशंस हमेशा आपको अटेंड करना चाहिए हमेशा जो है अपने प्रोग्रेस को जो है आपको नोट करना चाहिए सो लेट्स सी हियर यू विल बी आज इन नीट किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल बी आज द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन सो फर्स्ट देयर विल बी कलेक्टिंग ड okay so collecting duct kya hai this is the duct or the tubule that is collecting DCT of different nephrons bohol saare nephrons ke DCT will converge into a single collecting duct all these collecting duct will converge and uh, will open into renal pelvis we have seen what is renal pelvis and finally and finally दे ओपन इन टू मेड्यूलरी पिरा एंड आफ्टर मेड्यूलरी पिरािड्स दे फॉर्म कैलाइस ओके सो दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस विल बी आज इन एग्जाम्स ओके सो आगे बढ़ते हैं कितना पेज बेटा 290 पेज नंबर से मैंने स्टार्ट किया है 295 पेज नंबर तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँगी गुड इवनिंग तालिब आगे देखते हैं आगे देखते हैं इन मेजोरिटी ऑफ लेफ्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन नीट का क्वेश्चन दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी uh, में और वो दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं पहला नेफ्रॉन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन ओके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स नेफ्रॉन्स दो तरह के हैं मन कॉर्टिकल एंड दूसरा है जक्स्टा जक्सटामेड्यूलरी नेफ्रॉन के कई बार तो बच्चे ये जो है भूल जाते हैं ये जो है उनको दिखता भी नहीं है कि एनसीआरटी में दिया हुआ है सो यो यू कैन सी कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ है बहुत छोटा होता है बहुत शॉर्ट होता है जिसके वजह से ओके okay. जिसके वजह से दिस लूप ऑफ एनले डू नॉट एक्सटेंड इन टू द मेड्यूला ज्यादा मेड्यूला में ये लूप ऑफ एनले एक्सटेंड नहीं करता है बहुत ही कम पार्ट इस लूप ऑफ एनले का मेड्यूला में रहता है और इस तरह के नेफ्रॉन्स को बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स जो यूजुअली कॉटेक्स में ही रहते हैं जिनका लूप ऑफ एनले बहुत छोटा होता है मेड्यूला में डीप नहीं जाता है उन्हें बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ एनले बहुत लॉन्ग होता है इट रंस डीप इनटू मेड्यूला एंड दस द मेड्यू द नेफ्रॉन्स आर नोन एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ओके सो याद रखना है याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन मेड्यूला में प्रेजेंट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है दिस इज नॉट द केस द इज विद द लूप ऑफ हैनले लूप ऑफ हेनले जिसका डीप जाएगा मेड्यूला में उन्हें बोला जाएगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब मेड्यूला के पास एंड जो नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हैंनले शॉर्ट होगा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा मेडिला में उन्हें बोला जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स याद रखो याद रखो ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल सारे नेफ्रॉन के तो कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है द डिफ्रेंस इन द लूप ऑफ हैं क्लियर बेटा सभी को ऋतिक मनोज प्रांशु उम्रा, प्रकाश तालेब एवरीबडी सभी को जो है क्लियर है कि क्या डिफरेंस होता है कॉर्टिकल एंड जक्स्टा नेफ्रॉन में चल आगे बढ़ते हैं नीट ट्वेंटी टू बैच जो है नीट ट्वेंटी टू की पाठशाला बेटा अभी स्टार्ट हुआ है हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन उसका क्विज भी हो गया है दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसमें हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन ये उसका आज पहला लेक्चर है कल दूसरा होगा उसके बाद इस चैप्टर पे मेंटी भी होगा ये विशाल सो यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रक्चर ऑफ मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स आफरेंट आटीरियल का डायमीटर है ज्यादा ओके okay? ईफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर है कम इसके वजह से प्रेशर विल बी मोर इन ग्लोमे रूलर्स दिस इज ग्लोमे रूलर्स ग्लोमे रूलर्स में प्रेशर होगा ज़्यादा ओके ब्लड प्रेशर होगा ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट उसके वजह से देर विल बी फिल्ट्रेशन एंड देर विल बी एक्यूमलेशन ऑफ फिल्ट्रेट इन टू द वोमेंस कैप्सूल ओके, लाइनिंग ऑफ बोमेंस कैप्सूल लाइनिंग ऑफ बोमेंस कैप्सूल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथीलियम ओके सो देर आर पोडोसाइड्स एज वेल सेल्स जिनके फूड प्रोसेस होते हैं जिन्हें बोला जाता है पोडोसाइट्स नेक्स्ट थैंक्स ऋतिक बिल्कुल मैं आपकी दीदी ही हूं सो यू कैन सी पेरी टुब्यूलर कैपिलरीज वेरी इंपॉर्टेंट दे आर टॉकिंग अबाउट वाजार एक्टा जैसे मैंने आपको बताया कि कि ईफरेंट आर्टीरियॉल ईफरेंट आर्टीरियॉल दे डिवाइड इंटू कैपिलरीज विच आर नोन एज पेरीटूब्यूलर कैपिलरीज एंड दीज कैपिलरीज दे रन पैरल टू लूप ऑफ हैनले सो बेसिकली इफरेंट आर्टीरियोल ही बनाता है वाजारेक्टा वाजारेक्टा इज पैरे पैरल टू लूप ऑफ हैंनले और उसमें जो फ्लो है ब्लड का दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू लूप ऑफ एनले इस वजह से ये बनाता है काउंटर करेंट मैकेनिजम जिसकी वजह से होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोई बात नहीं मारुति यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो अगेन ओके एंड यू आर गोइंग टू अंडरलाइन ऑल द इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ एन सी आर टी ओकेस डेफिनेटली ऋषि में आपकी दीदी ही हूँ सो so, आगे बढ़ते हैं वाजा रेक्टा अगर आपको समझ में आया है वाजा रेक्टा लूप ऑफ एन के पैरल रन करेगा इफरेंट आर्टीरियल से बनता है उसी का ही पार्ट है या यू कैन से उसी का ही डिविजन uh, है उसी का ही ब्रांच है एंड अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाजारेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स तो नीट का क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा आपसे नीट में ओके okay? सो so, क्या पूछा जाएगा नीट में दैट वाजा रेक्टा इज प्रेजेंट और एबसेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का सेंस लूप ऑफ एनले ही इतना डेवलप नहीं होता है रेक्टा उसको अकंपनी नहीं करता है यूजुअली इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स इतना ज्यादा रोल नहीं प्ले करते हैं इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन वेरी इंपॉर्टेंट ये यू विल बी गेटिंग पीडीएफ बेटा गोप्रेप नीट चैनल पर आपको पी डी एफ मिल सकता है या मेरे यूट्यूब सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डॉक्टर प्रियंका डे अंडर स्कोर जुअलॉजी एक्सपर्ट के नाम से जो है आप चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस पर भी आपको पी डी एफ मिल जाएगा सो द क्वेश्चन दैट विल बी आस्ट इज कॉर्टिकल ने दे डोंट प्ले मेजर रोल दे डोंट प्ले मेजर रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन सो ये पॉइंट जो है आप लिख लोगे अपने एनसीआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो कॉर्टिकल नेफर उतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं प्ले करता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन सिंपल्स ऑफ स्टेटमेंट है ओके okay? So, यहां पर ध्यान रखेंगे यूरिन फॉर्मेशन अब हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैन यू सी बहुत सारे लाइंस अंडरलाइन किए हुए हैं बहुत सारे लाइंस जो है हाईलाइट किए हुए हैं यूरिन फॉर्मेशन में क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन तीन स्टेप में होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन री और सिक्रीशन सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की तो हमारा किडनी पर मिनट 1100 से लेकर 1200 सौ ब्लड फिल्टर करता है एक किडनी एक किडनी जो है सॉरी दोनों किडनी जो है मिलके एक मिनट में 1100 1200 ml हंड्रेड ऑफ ब्लड फिल्टर करता है विच इज अराउंड वन फिफ्थ ऑफ द ब्लड पंपड आउट बाई ईच वेंट्रिकल पांच लीटर ब्लड पांच लीटर ब्लड फ्लो होता है पंप किया जाता है ईच वेंट्रिकल्स के द्वारा और ये पांच लीटर ब्लड में से 1100 टू 1200 हंड्रेड फिल्टर हो जाता है किडनी में तो वन फिफ्थ हो गया ऑन एन एवरेज ओके प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी आगे चल के बेटा डोंट वरी यस निशो आई नो आई एम नॉट विजिबल सो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, बट पहले हम लोग एनसीईआरटी अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग जो है आ, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे आगे बढ़ेंगे डोंट वरी अबाउट योर प्रिपरेशन के बारे में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आफ्टर अंडरलाइनिंग आई विल बी गिविंग यू फ्लो चार्ट्स माइंड मैप्स उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में सो so, नेक्स्ट नीट का एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है थ्री लेयर्स ऑफ़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के तीन लेयर्स कौन से हैं तो तीन लेयर्स कौन से हैं सबसे पहले ग्लोमेरुलस, ओके एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल का लाइनिंग उसके साथ में द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स सो ये जो है तीन लेयर्स दीज आर द लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन आपको याद रखना है सो so, कौन कौन से फिर से देखते हैं एंडोथिलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स एपीथिलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में तो ये तीन लेयर बनाता है मेम्ब्रेन ऑफ फिल्ट्रेशन नाउ नेक्स्ट थैंक्स मारुति आगे देखेंगे बोमेंस कैप्सूल में जो एपिथेलियल सेल्स है उन्हें पोडोसाइट्स बोला जाता है क्यों क्योंकि वो कुछ इस तरह से होते हैं ओके okay? उनके पास जो है एक फूड प्रोसेस होता है सो दिस टाइप ऑफ सेल दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज पोडोसाइट विच इज प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल क्लियर टेलीग्राम चैनल यस डेफिनेटली मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगी अपना टेलीग्राम चैनल या आई कैन राइट इट हियर एज वेल So, here you can see D capital Dr. Priyanka P capital okay Dr. Priyanka Day again D capital underscore okay zoology expert space expert. So, this is my YouTube uh, sorry telegram channel you can subscribe and you will get the PDFs. Aage. Now, what is GFR? GFR is glomerular filtration rate. जितना जितना फिल्ट्रेशन करता है हमारा किडनी पर मिनट या पर डे उसे बोला जाता है जी एफ आर इट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इट इज़ इट इज़ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इट इज़ अराउंड 125 ट्वेंटी फ़ाइव एम एल अगेन नीट का क्वेश्चन यू ऑल नो जी एफ आर का वैल्यू हमेशा पूछा जाएगा इट इज़ अराउंड 125 ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट और 180 एटी लीटर्स पर डे कितना ज़्यादा है एज़ यू कैन सी इतना ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट बन रहा है अगर इतना सारा फिल्ट्रेट हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन तो ऑब्वियसली यू विल डाई ऑफ डिहाइड्रेशन तो उसके वजह से इसके वजह से देर इज़ सिलेक्टिव रीऑब्जॉबशन जो भी सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे फिल्ट्रेट में जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर सो so, ये सारा वाटर ये सारे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू फॉर्म यूरिन ओके सो यहाँ पर यहाँ पर जरा हम सभी ध्यान देते हैं दैट 125 ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट जी एफ आर है वन एटी लीटर्स पर डे जो है uh, फिल्ट्रेट का रेट है पर डे बनने का नाउ एक और क्वेश्चन विच इज आस्ट इन एग्जाम इज इन्यूलिन इन्यूलिन इज यूज टू मेजर जी एफ आर इन्यूलिन क्या है ये एक पॉलीसेक्राइड है ओके इट इज अ पॉलीसेक्राइड और ये किसका पॉलीसेक्राइड है दिस इज पॉलीसेक्राइड ऑफ फ्रक्टोज सो दिस इज यूज टू मेजर जी एफ आर ओके ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लाइंस है बिल्कुल जो है ऋतिक मैं जो है आपकी बात जो है ध्यान रखूंगी सो so, यहां पर तो so, यहां पर देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इट इज जक्स्टा ग्लोमे रूलर अपेरेटस सो लेट्स सी व्हाट इज जक्स्टा ग्लोमे रूलर अपेरेटस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपेटस इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स ओके सो डीसीटी और आफरेंट आटीरियॉल एवरीबॉडी प्लीज अंडरलाइन जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपेटस कहाँ प्रेजेंट होता है दिस अपेटस इज प्रेजेंट जहाँ पर डीसीटी और आफरेंट आर्टीरियोल मिलते हैं तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो हो जाते हैं मॉडिफाई और बनाते हैं जक्स्टा रूलर अपैरेटस तो so, जक्स्टा रूलर अपैरेटस इज मॉडिफिकेशन ऑफ डी सी टी एंड आफरेंट आर्टीरियोल सेल ओके okay? आफरेंट आर्टीरियोल नेक्स्ट uh, जक्स्टा जक्सटाग्लॉमेरूलर अपैरेटस ये क्या रिलीज करता है इट रिलीज रेनिन। कैन यू सी ये वाला जो रेनिन है ये डिफरेंट है आर ई डबल एन आई रेनिन से सो so, जक्स्टा ग्लोमिडर अपेरेट रिलीज करेगा रेनिन आपने पढ़ा होगा मैंने कभी तो आपको पढ़ाया होगा रास मैकेनिज्म रेनिन, एंजियोटेंसिल, एनजियोटेसिल सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दिस रास मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ दिस रास मैकेनिज्म ये इंक्रीज uh, करता है ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इसके वजह से होता है इंक्रीज इन जी एफ आर तो मैं यहां पर जो है डी सी टीज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टूब्यूल ऋतिक बेटा सो रेनिन करता है रास मैकेनिज्म जिसके वजह से बढ़ता है ब्लड प्रेशर और जिसके वजह से अल्टीमेटली इंक्रीज होता है जी एफ ट so, होगा यह कब एक्टिवेट होगा जब भी जी एफ आर जो है वो कम होगा क्या उसी अफ जी एफ आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जी एफ आर फॉल ऑफ जी एफ आर विल एक्टिवेट जक्सटाग्लॉमेरूलर अपेटिस जिसके वजह से रिलीज होगा रेनिन, जिसके वजह से होगा रास इज रेनिन, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जिसके वजह से बढ़ेगा ब्लड प्रेशर एंड फाइनली जिसके वजह से जी एफ आर फिर से जो है बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा so, okay? तो दिस फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके जी एफ आर तो बहुत ज्यादा बनता है वन एटी लीटर्स पर डे पर यूरिन सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट फाइव लीटर्स प्रोड्यूस होता है ट मींस नाइनटी नाइन परसेंट जो फिल्ट्रेट था वो वापस से रीएब्सॉर्ब हो गया है सो इम्पॉर्टेंट सबस्टेंसेस लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एंड सोडियम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आर री एब्जॉर्ब एक्टिवली आर री एब्जॉर्ब एक्टिवली तो इसका मतलब क्या है ग्लूकोज हो गया नीट का क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ग्लूकोज हो गया अमीनो एसिड हो गया सोडियम हो गया ये सब रीअब्जॉर्ब होता है फिल्ट्रेट से एक्टिवली दैट मींस बाय यूटिलाइजिंग एटीपी, एटीपी का यूज करके ये सारे सब्सटेंस रीएबज़ॉर्ब होंगे एंड दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेर एज वेर एज कैन यू सी नाइट्रोजिनस वेस्ट ओके नाइट्रोजेनस वेस्ट ज एब्सॉर्ब पैसिवली विदाउट ए टी पी वो रीएब्सॉर्ब होंगे इन आर टू ब्यूल्स सो विद एटीपी ये रीएब्सॉर्ब होंगे कमिंग टू वॉटर वॉटर भी पैसिवली रि एब्जॉर्ब होगा और उसे बोला जाता है थ्रू ऑसमोसिस सो वॉटर एंड नाइट्रोजेनस वेस्ट विल बी एब्सॉर्ब पैसिवली वेर इज ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सोडियम विल बी एब्सॉर्ब

कमिंग टू टूब्यूलर सिक्रीशन ये तो हमने देखा रीअबॉर्न री एंड सिक्रीशन को हम समराइज करेंगे एक डायग्राम से वो डायग्राम एज इट इज अगर आपने ध्यान रखा तो नीट में जो है ये चैप्टर आपका पक्का है जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर uh, से आते हैं मोस्टली वो डायग्राम के बेसिस uh, पे आते हैं तो वो अगर आपने देख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यस yes, ये एनसीआरटी बुक है बेटा we आर अंडरलाइनिंग ऑल द important lines ऑफ ncrt so tubular secretion सो of h इज ऑफ K प्लस आयन्स के प्लस पोटेशियम आयन्स एंड अमोनियम आयन्स कहाँ पर होता है पी सी टी में भी होता है डी सी टी में भी होता है सो लेट्स स्टार्ट विथ पी सी टी पी सी टी में क्या होता है तो बेटा सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर री इन पी सी टी नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन दिस इज दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ नीट दट मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है नेफ्रॉन में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है पी सी टी में इन नेफ्रॉन ओके सो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वॉटर टेक्स प्लेस इन पी सी टी इट्स सेल्फ लाइनिंग पे दूसरा क्वेश्चन इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। दूसरा क्वेश्चन नीट का पीसीटी का लाइनिंग पीसीटी का लाइनिंग किस से एपिथीलियम से बना होता है तो पीसीटी का लाइनिंग बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर ब्रश बॉर्डर क्यों क्योंकि देयर आर प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स इसलिए इसे बोला जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम और ये माइक्रोविलाइज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ओके यस डेली क्लास होता है बेटा फ्रॉम ट्यूजडे टू सैटरडे डेली क्लास होगा इसी टाइम पे सिक्स पी एम ओके सो यहां पर जरा ध्यान देते हैं यहां पर अगर दो जो है क्वेश्चन आपने देख लिए हैं नीट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्रीशन ऑफ एच प्लस आयन्स अमोनियम आयन्स पोटेशियम आय एंड एब्जॉर्बन ऑफ बाई कार्बोनेट आयन्स होता है पी में ज़्यादा कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये सब जगह लिखे हुए हैं डी में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा यस डेफिनेटली डी में भी ये सारे जो सब्सटेंस हैं वो सिलेक्टिवली uh, सिक्रीट होते हैं एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आयोनिक एंड द एसिड बेस बेसिक बैलेंस ऑफ योर ब्लड आपके ब्लड का एसिड बेस बैलेंस और आपके ब्लड का आयोनिक बैलेंस इज मेंटेन बाय पीसीटी एंड डीसीटी विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव सेcretion किसका सिलेक्टिव सेcretion सेcretion ऑफ एच प्लस आयंस अमोनिया पोटेशियम आयंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस समझ में आ गया एवरीबडी मार्क कर लिया चलिए सो so, आगे बढ़ते हैं लेट्स सी लेट्स सी अबाउट लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले इज वेरी इम्पॉर्टेंट आगे हम पढ़ेंगे काउंटर करेंट मैकेजम लूप ऑफ एनले साथ ही साथ वाजा रक्टा के साथ मिलके हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड सम इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ लूप ऑफ एनले इज दिस दैट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है इट इज इट इज permeable to water but impermeable to electrolyte तो so, ये जो है statement आपको ध्यान में रखना है descending limb of loop of Henle is uh, permeable to water okay it is permeable to water इसको सिर्फ water ही cross कर सकता है सिर्फ water ही reabsorb हो सकता है and it is impermeable to and it is impermeable टू इलेक्ट्रोलाइट्स ओके इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम हो गया क्लोराइड हो गया ओके okay? सो so, अगर इतना समझ में आया सो so ऑपोजिट होता है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इट इज इम्परमीएबल टू वॉटर कैन यू सी हियर इट इज इम्परमीएबल टू वॉटर बट इट इज

डीसी भी होता है कंडीशनल री एब्जॉर्प्शन सो आई विल राइट यंडीशनल री एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू इज ड्यू टू हारमोन एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन अगर आपको याद है एल्डोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉइड हारमोन विच इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्टिक्स ऑफ योर एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड के कॉटिक्स में से रिलीज होता है एल्डोस्टोरॉन और ये एल्ड्रोस्टरॉन करता है कंडीशनल रीऑब्जॉर्बन ऑफ सोडियम सिमिलरली कंडीशनल रीऑब्जॉर्पन ऑफ और ऑब्वियसली सोडियम का रीऑब्जॉर्बन होगा तो उसके साथ साथ क्या जाएगा उसके साथ साथ जो है वाटर भी रीऑब्जॉर्ब हो जाएगा बट इट इज ड्यू टू ए डी एच इफ यू रिमेंबर दिस हॉर्मोन ए डी एच दी डायूरेटिक हॉर्मोन विच इज ऑल्सो नोन एजोप्रेसि याद है सभी बच्चे को जिसके डेफिशियंसी से होता है डायबिटीज इंसिपिडिस ये एल्डोस्टोरॉन इज अल कॉटिकॉइड वेरी गुड विच इज रिलीज फ्रॉम कॉटेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड सो ए डी एच या वेसोप्रेसिन कराता है कंडीशनल रीएब्सॉर्बेशन ऑफ वाटर तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है एडीएच एंड एल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनल री एब्जॉर्बन ऑफ सोडियम एंड वॉटर इन डी सी टी ना सिर्फ डीसी टी में बट सी टी दैट इज कलेक्टिंग डक्ट में भी कराता है वेरी गुड रिथिक दैट इज नाइस सो दूसरा दर इज सिलेक्टिव रीअबॉर्बेशन ऑफ बाई कार्बोनेट सिलेक्टिव सिक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एनिस्ट्री दैट इज ये सिमिलरली ये आपको पी सी टी में भी लिखा हुआ मिलेगा सो ऑल दीज लाइन्स आर सिमिलर इन पी सी टी एंड डी सी टी और इसके सिलेक्टिव सिक्रियन एंड रीअबॉर्ब्शन से दर इज मेंटेनेंस ऑफ पी एच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ ब्लड लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन आर लास्ट लाइट ना यस डेफिनेटली ए डी एच के डेफिशिय से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, यस वेरी गुड और एज यू नो कि डायबिटीज मलाइटस जो है वो होता है इंसुलिन की डेफिशियंसी से सो लेट्स सी दिस टेंट डायग्राम अगर यहाँ पर आपने लर्न कर लिया कि क्या रि एब्सॉर्ब हो रहा है क्या सिक्रेट हो रहा है तो आपका नीट जो है वो पक्का है सो so, यहाँ पे ध्यान देते हैं पीसीटी में पीसीटी में ये जो अंदर की तरफ पैरो जा रहा है इसका मतलब है दिस इज सिक्रीशन दिस इज सिक्रीशन और ये जो बाहर की तरफ जा रहा है दिस इज रीऐब्जॉर्प्शन सो so, बिल्कुल भी जो है बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि वॉट इज सिक्रीशन सिक्रीशन का मतलब है जब कोई भी कॉम्पोनेंट कोई भी आयन फिल्ट्रेट में जाए तो उसे बोला जाता है सिक्रीशन और फिल्ट्रेट से कुछ भी कुछ भी कॉम्पोनेंट बाहर आए तो उसे बोला जाता है रीऐब्जॉर्प्शन सो so, यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिए सो so, बाईकार्बोनेट आयस एनए सी वाटर Nutrients and potassium ions; these are reabsorbed from PCT. Whereas, whereas H plus ions and ammonium ions are secreted in PCT. So this was about PCT. Now next is next is about loop of Henle. As we have discussed, the descending limb of loop of Henle is permeable to water only. Water only. Yes, right, Monica. And, and. इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड वो रि नहीं हो सकते हैं फ्रॉम डिसेंडिंग ऑफ एनले सिर्फ और सिर्फ वाटर ही रि हो सकता है ओके okay? दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट असेंडिंग ऑफ एनले इज टू वाटर वहां से वाटर कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा और सिर्फ और सिर्फ एन एस सी एल या इलेक्ट्रोलाइट्स ही एब्जॉर्ब हो सकता है ओके कंडीशनल रि का मतलब है बेटा vanke conditional reabsorption means whenever there is requirement whenever there is release of aldosterone whenever there is release of adh only at that time sodium ions and water will be reabsorbed only according to requirement okay normally it won't be reabsorbed but with the requirement with the release of adh and aldosterone there will be reabsorption of sodium ions and water this is what is conditional reabsorption okay एसेंडिंग लिम्ब लूपर्मी एबल टू एन एसीएल राइट मोनिका सो डीसी का बात करें सो इन डीसीटी एनएसीएल वॉटर बायकार्बोनेट आय दीज आर री एब्सॉर्ब मैं यहां पर भी लिख देती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो एंड पोटैशियम आयन्स एच प्लस आयन्स आर सिक्रिटेड ओके सो पीसीटी में क्या रि होता है क्या सिक्रेट होता है सिमिलरली डीसीटी में क्या रि होता है क्या सिक्रेट होता है इतना अगर ध्यान रख लिया तो आपका यूरिन फॉर्मेशन जो है कंप्लीट है दिस इज कलेक्टिंग दट यहां पर आप देख सकते हो कैन यू सी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया गैस सो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीऑब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डग विच इज अगेन सिक्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर मेड्यूलरी इंटस्टिशियम मेड्यूला का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये जरूरी है ताकि उसके वजह से वाटर का रिएबजॉर्बशन हो सके जिसके वजह से आपका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट हो सके सो आई विल राइट यट इज़ इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग द मेड्यूलरी कॉन्सेंट्रेशन मेड्यूलरी कॉन्सेंट्रेशन या मेड्यूला के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसके वजह से ही देर विल बी इंक्रीज वॉटर री एब्जॉर्बन ऑप्शन ओके okay. और जिसके वजह से ही बी की जगह पी हो गया और जिसके वजह से ही योर यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड सो उसकी वजह से ही देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड यूरिन क्लियर वाई वाई एब्जॉर्ब्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज़ ए नीड टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर मेड्यूलरी इंटर्स्टिशियम जिसके वजह से देर विल बी रीऐब्जॉर्बन ऑफ वॉटर जिसके वजह से यू विल प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेट यूरिन ओके सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड क्यों क्यों यूरिया थोड़ा अमाउंट में यूरिया का रीअबॉर्ब्शन कलेक्टिंग डक्ट में से होना ज़रूरी है वेरी गुड बहुत ही होशियार बच्चे हैं मेरे बहुत जल्दी समझ जाते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड जो है देखते हैं लास्ट स्लाइड में वही सेम जो है कंसेप्ट हमने पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड में वही बताया गया है दैट कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इज री ताकि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो सके हमने ऑलरेडी देखा था 180 एटी लीटर्स पर डे हमारा जी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ फाइव लीटर यूरिन ही जो है वो प्रोड्यूस होता है अगर अगर इतना पूरा फिल्ट्रेट हमारे बॉडी से बाहर चले जाए तो वे विल डाई डिहाइड्रेशन तो टू अवॉइड कॉन्सनट्रेटेड यूरिन ना यहाँ पर दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया थोड़ा सा यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भी रिएबॉर्ब किया जाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ सके ताकि जो मेड्यूलरी इंटस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ सके जिसके वजह से जिसके वजह से आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो सके साथ में थोड़ा अमाउंट H प्लस और K प्लस आयंस का भी सिक्रीट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में सो so बेसिकली ये तो ये ऑस्मोलैरिटी क्या है ऑस्मोलैरिटी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी इज कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड इज जर्ड इन मिली ऑसमोल पर लीटर ओके सो ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर तक ऑस्मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है मैकेनिजम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्टरेट ये जो है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हाईलाइट करा देती हूँ आपको दैट डायरेक्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन कि कौन हेल्प करता है कौन हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में तो आपका आंसर होगा लूप ऑफ एनले एंड रेक्टा सो रेक्टा एंड लूप ऑफ एनले प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट किस तरह से करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है व्हाट इज काउंटर करेंट एक्सचेंज एंड व्हाट इज काउंटर करंट

सो बेसिकली इट इज मेजर्ड इन मिली ऑसमोल पर लीटर नाउ होमवर्क यस जितना मैंने आपको मार्क कराया है उतना आपको एनसीईआरटी से मार्क करना है साथ में मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपको ठीक से पढ़ना है इस जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है उससे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे ओके okay? सो so, एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे सकती हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है आपका क्या है होमवर्क क्वेश्चन नहीं बिफोर दैट बिफोर दैट आपको फीडबैक uh, जो है अपना शेयर करना है आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक uh, मिलेगा जिसमें आप जाके फीडबैक अपना शेयर कर सकते हो एंड यस yes, वो क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन व्हाट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर व्हाट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ओके ये आपका क्वेश्चन है जिसका जो आंसर मुझे चाहिए होगा नेक्स्ट क्लास में तो आप ये पता लगाओगे कि वो कौन सा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है जिसके वजह से एक्चुअली फिल्ट्रेशन होता है इन ग्लोमे रूलर्स ओके सो यस डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग पीडीएफ, पीडीएफ आपको मिलेगा गो प्रेप नीट के ऑफिशियल चैनल पे साथ ही मेरे चैनल पे तो जो है इस पी के थ्रू आप अपने एन uh, सी को भी अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मार्क करके रख सकते हो बाकी का जो चैप्टर है हम लोग कल पढ़ेंगे 6 शार्प डोंट दिस सेशन शेयर विथ योर फ्रेंड्स लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू गो प्रेप अपनी चैनल राइट एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले अगर ऑलरेडी प्रेस कर चुके हैं तो दूसरी बार ना प्रेस करें सी यू टुमारो बाय बाय टेक केयर प्रिपेयर फॉर मेंटी सेशन जो परसों होगा सिक्स पी एम अगेन सो बाय बाय